हेलो माय डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम, वेलकम टू द सेशन। सो आज मैं आ गई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर के, एंड दैट इज बेसिकली द ओल्ड स्कीम एंड द न्यू स्कीम कंपैरिजन कौन से सब्जेक्ट का। सो वी आर ब्रिंगिंग हियर द इनकम टैक्स, दैट इज बेसिकली द डायरेक्ट टैक्स पेपर फॉर CA इंटर। नाउ दिस कंपैरिजन विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा चैप्टर इज देयर इन योर सिलेबस, एंड इज देयर एनी चैप्टर दैट हैज बीन डिलीटेड और इज देयर एनी चैप्टर दैट हैज बीन एडेड टू आर syllabus for the new scheme which is applicable for May 2024. ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ओवरऑल कंपैरिजन कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स ओल्ड में थे, अच्छा ये चैप्टर्स ओल्ड में थे तो न्यू में किस हिसाब से हमें कवर करना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ये जो वीडियो इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द सिलेबस दैट इज द इनकम टैक्स लॉ एज पर द न्यू स्कीम। तो एंड तक बने रहिए और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। राइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी। ओके, सो हियर वी आर, वी हैव द चैप्टर्स ऑफ द न्यू स्कीम, वी हैव द चैप्टर्स ऑफ द ओल्ड स्कीम। तो अगर हम देखो कंपैरिजन करते हुए चलें तो जो ओल्ड स्कीम थी हमारी, वहां पे हमारे को 3 चैप्टर्स दिए हुए थे मॉड्यूल नंबर 1 में, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, एंड थर्ड वन इज द इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। राइट, तो ये 3 चैप्टर थे मॉड्यूल 1 में। जबकि अगर हम कंपेयर करें हमारी न्यू स्कीम को, वहां पे मॉड्यूल 1 में 2 सेक्शंस दिए हुए हैं, तो जो पहला सेक्शन है वहां पे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और दूसरा दैट इज रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम है। अब मैं ये क्या देख रही हूं, दैट इज इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हमारे न्यू स्कीम में क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो इस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान देना है। नाउ सी, इसमें भी एक पॉइंट है, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स चैप्टर डिलीटेड है, बट इस चैप्टर से एक पोर्शन था SEZ सेक्शन 10AA, वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो चैप्टर तो हटा दिया आपके कोर्स से, बट वो जो सेक्शन है SEZ का 10AA वाला, वो आपके डिडक्शंस चैप्टर दैट इज डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में मर्ज कर दिया है। सो ओवरऑल बाकी एग्जेम्पशंस आपको अब नहीं पढ़ने हैं। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट चेंज कि ओल्ड स्कीम में मॉड्यूल 1 में 3 चैप्टर्स थे, न्यू स्कीम में मॉड्यूल 1 में 2 सेक्शंस है, पहले सेक्शंस में 2 ही चैप्टर्स रह गए, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। नाउ लेट्स सी द फर्दर पोर्शन, एंड दैट इज अगर हम बात करें ओल्ड स्कीम की, तो वहां पे मॉड्यूल 2 में हमारे लिए 5 हेड्स ऑफ इनकम थे, दैट इज सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर मैं बात करूं न्यू स्कीम के चैप्टर्स की, तो न्यू स्कीम में भी ये 5 चैप्टर्स ही हैं, दैट इज सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट ये मॉड्यूल नंबर 1 में ही सेक्शन नंबर 2 में 5 चैप्टर्स हैं। सो अभी तक का क्या कंपैरिजन आ रहा है कि ओल्ड स्कीम में मॉड्यूल नंबर 1 में 3 चैप्टर, मॉड्यूल नंबर 2 में आपके 5 चैप्टर्स हैं, और न्यू स्कीम में एक ही मॉड्यूल में 2 सेक्शंस हैं, तो पहले सेक्शंस में 2 चैप्टर दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, एंड दूसरे सेक्शंस में 5 हेड्स ऑफ इनकम दिए हुए हैं। नाउ आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हम जब बात करते हैं ओल्ड स्कीम की, तो ओल्ड स्कीम के अंदर 3rd मॉड्यूल में हमें कितने चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। वी सी इनकम फ्रॉम अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसी टोटल इनकम, जो कि बेसिकली हमारा चैप्टर है जिसको हम प्यार से क्लबिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये 3rd मॉड्यूल के हमारे 3 चैप्टर्स यहाँ पे कवर्ड है, और भी हैं जो आगे आएंगे। एंड न्यू स्कीम में अगर देखते हुए चले साइमल्टेनियसली, तो न्यू स्कीम में हमारा ये मॉड्यूल नंबर 2 हो जाता है, जहां पे हमें इनकम फ्रॉम अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम दिया हुआ है, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस दिया हुआ है, एंड 3rd इज डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये तीनों चैप्टर्स मॉड्यूल 2 के सेक्शन नंबर 3 के अंदर आ जाते हैं। जैसे 2 सेक्शंस तो मॉड्यूल नंबर 1 में कवर हो गए, अब सेकेंड मॉड्यूल में 3rd सेक्शन के अंदर ये 3 चैप्टर्स हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ओल्ड स्कीम में 3 चैप्टर्स और है मॉड्यूल नंबर 3 में, दैट इज एडवांस टैक्स, TDS एंड TCS, प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, सेल्फ असेसमेंट एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। तो मॉड्यूल नंबर 3 में ओल्ड स्कीम में टोटल 6 चैप्टर्स हमें कवर किए गए हैं।
ऑन द अदर हैंड इफ वी कम टू द न्यू स्कीम चैप्टर्स, तो हमारा सेकंड मॉड्यूल चल रहा था. सेकंड मॉड्यूल के थर्ड पार्ट में हमने तीन चैप्टर्स देख लिए. नाउ फोर्थ पार्ट में आपके है एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस एंड प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. यहां पे आपका मॉड्यूल नंबर टू खत्म हो जाता है. फिर सेपरेटली एक मॉड्यूल नंबर थ्री है जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज इनकम टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन. तो अभी तक ओल्ड और न्यू में सिर्फ सबसे बड़ा चेंज ये है कि आपका एग्जेम्पशन चैप्टर न्यू स्कीम में डिलीट कर दिया गया है, और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आपका क्या कर दिया गया है, न्यू स्कीम में डिडक्शन चैप्टर में मर्ज कर दिया गया है. अब यहां पे जो लास्ट के आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 13 इन न्यू स्कीम एंड पॉइंट नंबर 14 इन ओल्ड स्कीम. ओल्ड स्कीम में इट इज रेड एज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, और न्यू स्कीम में इट इज इनकम टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन. तो क्या इसमें कोई चेंज है मैम? इसमें कोई चेंज नहीं है. सिर्फ न्यू स्कीम में क्या किया गया है, न्यू स्कीम में इसके नाम को थोड़ा सा फैंसी कर दिया गया है. रेस्ट देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द चैप्टर एंड द पोर्शन दैट इज बेसिकली कवर्ड इन द चैप्टर. इट्स बेसिकली द कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम और द इनकम टैक्स लाइबिलिटी ओनली. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज की सबसे बड़ा चेंज जिसको मैं कहूंगी, एंड दैट इज अबाउट दी मार्क्स एलोकेशन. तो देखते हैं क्या है. सो हमारे लिए ओल्ड स्कीम में डायरेक्ट टैक्स में, दैट इज इनकम टैक्स के अंदर 60 मार्क्स का पेपर हमें एग्जाम में देखने को मिलता था. ऑन द अदर हैंड अगर हम न्यू स्कीम पे आए जो आज से हमारा भविष्य होने वाला है, दैट इज फ्यूचर होने वाला है, तो न्यू स्कीम में डायरेक्ट टैक्स दैट इज इनकम टैक्स हमें 50 मार्क्स का देखने को मिलेगा. नाउ 50 मार्क्स इज बेसिकली 10 मार्क्स कम कर दिए गए हैं, बट मैम पोर्शन मोटा मोटी वही है. देखा जाए ओवरऑल तो सिर्फ एक ही चैप्टर है जो हटाया गया है. अब उस चैप्टर में से भी जो मेजर इंपॉर्टेंट एरिया था, दैट इज SEZ सेक्शन 10AA, वो डिडक्शन चैप्टर में मर्ज कर दिया गया है. तो मार्क्स 10 हमारे कर दिए गए, दैट इज अब हमें 50 मार्क्स का ही पेपर डायरेक्ट टैक्स का, दैट इज इनकम टैक्स का एग्जाम में देखने को मिलेगा.